हम मनन के पास भी चल सकते हैं। मनन, टीचर्स की जब हम बात कर रहे हैं, जहां आप कोचिंग लेते हैं, जहां से आप स्टडी करते हैं, ये जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है कि एक टीचर के साथ भी जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, या फिर क्योंकि कई चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाती है, उनके लिए आपको कोचिंग लेनी होती है, आपको समझना होता है, जिस भी टीचर से आप स्टडी कर रहे हैं, उससे कोचिंग ले रहे हैं, उसका आपके साथ व्यवहार या फिर उसका आपके साथ फ्रेंडली होना स्टडी को लेकर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, या फिर स्ट्रिक्ट टीचर जो है वो ज्यादा बेहतर इसके लिए रहता है? मैम, मेरा ये मानना है कि टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस एग्जाम में गाइडेंस की बहुत जरूरत रहती है। कई बार ये होता है कि हमें नहीं पता होता है कि कैसे प्रीलिम्स में अप्रोच करना है, कैसे मेंस में अप्रोच करना है, तो टीचर्स जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो अपनी गाइडेंस के थ्रू हमें कई गलतियों से बचा सकते हैं, हमारा टाइम ज़ाया ना हो गलत चीज़ें कर करके और अटेम्प्ट्स वेस्ट ना हो, उससे बचा सकते हैं और सही डायरेक्शन हमें दे सकते हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि ये तो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस होगी कि कैसा स्ट्रिक्ट टीचर उसे पसंद है या फ्रेंडली टीचर पसंद है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो टीचर इफेक्टिव हो, जो टीचर सही गाइडेंस दे, भले ही किसी भी फॉर्म में हो, फ्रेंडली हो या स्ट्रिक्ट हो, लेकिन अगर एस्पिरेंट को सही गाइडेंस दे रहे हैं वो, तो वो इक्वली बेनिफिशियल है फॉर द एस्पिरेंट। बिल्कुल, ये देखिए टीचर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और जैसा कि गौरव भी बोल रहे थे, एनवायरनमेंट जो है आपका वो भी बहुत इफेक्ट करता है आपको, आपके पेरेंट जो है वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। गौरव, हम यूपीएससी की बात तो कर रहे हैं लगातार, लेकिन जो एस्पिरेंट है, बहुत सारी जिस तरीके से स्टेज हम क्लियर करते हैं यूपीएससी में, उसके बारे में जरा हमें बताइएगा शुरू से कि यूपीएससी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद आपको क्या क्या क्लियर करना होता है, और लास्ट स्टेज पे यहाँ पर जब आप टॉपर बन के बैठे हैं तो वहां कैसे बैठा जाता है? जी मैम, मैम सबसे पहले इस एग्जाम की तीन स्टेजेस होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, एक जनरल स्टडीज वन और GS2 जो कि क्वालिफाइंग सीसैट होता है। उसके बाद मेंस के पेपर्स होते हैं, 4 GS के, 2 ऑप्शनल और एक ऐसे, और 2 लैंग्वेज के क्वालिफाइंग पेपर्स रहते हैं। इस मेन्स को जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, और मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, जो फाइनल लिस्ट कल रिलीज हुई थी। मैम ठीक, तो ये जो एस्पिरेंट आपको सुन रहे होंगे, आई एम श्योर उनके लिए काफी फायदेमंद होगा, उनको काफी यहाँ पर एनकरेज करेगा किस तरीके से तमाम चीजें हैं, उनको भी थोड़ा माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। वैष्णवी, चूंकि लड़कियों की जब हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आप काफी लड़कियां आ रही हैं, आप उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कि यूपीएससी इस वक्त क्लियर करने की सोच रही हैं या फिर स्टडी कर रही हैं, खुद को वो किस तरीके से प्रिपेयर करें? सबसे पहले तो प्लीज अपने आप को किसी से कम मत समझिए, आपने सपने देखा है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, तो आप भी उतना ही अचीव कर सकती हैं जितना कि कोई भी और कर सकता है। दूसरा, अपने आप को सारे निगेटिव थॉट से दूर रखिए, कोई भी आपको जो नीचे खींचने की कोशिश करे उनसे दूर रखिए, जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करे उनसे मोटिवेशन दीजिए, और प्लीज हार मत मानिए। बिल्कुल, तो हार नहीं माननी है, लगातार कोशिश करते रहना है। और मनन का जरा एक बार फिर से हम रुक करते हैं, मनन भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनन, हम चूंकि लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं जो यूपीएससी टॉपर हैं उनके लिए, क्योंकि आप लोग तो टॉप कर चुके हैं, आपका भविष्य जो है वो निखर चुका है, आपने मेहनत की और अब आगे आप बढ़ रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं भी लगातार हम दे रहे हैं आपको, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी जब हम बात कर रहे हैं, खुद को इस जर्नी में उनके पेरेंट्स के लिए अगर हम मैसेज देने की बात करें, उनके पेरेंट्स जो है वो उनके साथ किस तरीके से कोप करें? कई बार ऐसा होता है कि जब हम ये चीज क्लियर नहीं कर पाते हो, बहुत से पेरेंट्स जो है वो नहीं समझ पाते और वो प्रेशर जो है उस स्टूडेंट पर ही डाल देते हैं जो कि प्रिपेयर कर रहा होता है, कि आपने बेहतर मेहनत नहीं की होगी, आपने अच्छा नहीं किया होगा, ये तमाम चीजें होती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं अपने एक पेरेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हाँ। जो रोल मेरे पेरेंट्स ने प्ले किया है, मैम ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, और इसके पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था और सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। तो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद जब मुझे खुद सेल्फ डाउट हुआ था कि मैं इस एग्ज़ाम क्लियर कर भी पाऊँगा कि नहीं, तब मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे मोटिवेट किया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अंदर वो सभी क्वालिटीज़ हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, बस यू हैव टू डू दी हार्ड वर्क, और जो भी मेहनत करनी है वो इम्पोर्टेंट है। और साथ में तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझ में बिलीव करते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता ये एग्ज़ाम क्लियर। और सेकेंड मैम ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने एनवायरनमेंट की बात करी और गौरव भी बता रहे थे कि घर का एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है,
साथ में उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग तो स्टडी करते हैं, जो एस्पिरेंट होता है हमारे जो घर का खाने की बात है, जो हमारी डाइट होती है या जो हम एक्सरसाइज करते हैं, आई थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एग्जाम एक साल, दो साल, तीन साल भी ले सकता है. तो हम ऐसे केस में शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं यूज़ कर सकते. तो इसलिए हमें अपनी डाइट, अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी फोकस करना होता है. और इसमें पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि हम न्यूट्रिशियस खाना खाएं, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं कि हम लिथार्जी हो जाएं और पढ़ ना पाएं, और साथ में जॉगिंग करें या कुछ स्पोर्ट्स खेलें घर फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आसपास, ताकि एक लाइट माहौल बना रहे और हम इस प्रिपरेशन को एज अ प्रेशर ना लें, बट हमारा ये पैशन या एक हमें मज़ा आने लगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में. तो आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स प्ले कर सकते हैं. बिल्कुल, यानी कि इंजॉयमेंट भी आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, बस तमाम ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है, जो कि हमारे साथ यहाँ पर यूपीएससी की टॉपर जो हैं वो बता रहे हैं. आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनन, गौरव, वैष्णवी, और आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी भविष्य के लिए. बहुत बेहतर आपने किया और बेहतर मूवमेंट जो है आप इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. और